मैंने यहाँ लाशों को भूखे भेड़ियों की तरह भंभोड़ते हुए लोगों को देखा है साहिब। जब आम लोग भी उठते हैं, बढ़ते हैं और फिर अपने नज़रियात को लीडर के तनाजुर में जांच कर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो लाशों पे लाशें क्यों ना गिरें? जुल्म पे जुल्म क्यों करना हो? जिन्हें खिलाफत का निज़ाम चाहिए वो कहते हैं खिलाफत कायम करो। जो बुक्स फ़ौज में मुब्तला हैं वो फ़ौज पर इल्ज़ाम धरते हैं। जो हकूमत मुखालिफ हैं वो हकूमत से इस्तीफ़ा मांग रहे, और जो हकूमत के सपोर्टर हैं वो कहते हैं इंसाफ दो। वो भी सिर्फ इस डर से कि कहीं उन्हें भी पटवारी या जयाला ना समझा जाए। आह ये मेरे लोग, जेआईटी तुम्हें पसंद नहीं, अदलिया तो है ही ख़राब, फ़ौज का सिविल कामों में क्या काम, और हकूमत वो तो कोकीन के नशे में है। जब तुम खुद ही मुसन्नफ हो तो फिर इंसाफ मांग किससे रहे? तुम्हें इंसाफ नहीं, मुफादात की तकमील के लिए लाश चाहिए, चाहे वो अंदरूनी साजिश से गिरे या बैरूनी साजिश। लाशों पे सियासत करते हो और थकते भी नहीं, आखिर कब तक तुम खुद पाकिस्तान पे ज़रब लगाते रहोगे, दुश्मनों के आलाकार बनते रहोगे? इस वतन की मोहब्बत में जितने दिल इस मट्टी तले धड़कते हैं, इससे कहीं ज़्यादा इस मट्टी पे धड़कते हैं। सलाम हर गाजी हर शहीद पे, चश्मे नम से शर्मिंदा, हम कलम से शर्मिंदा, सोचते हैं क्या लिखें, सोचते हैं क्या लिखें। इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के मुंह पर तमाचा है, इंसानियत इंसानों से शर्मिंदा, गोलियों की तरतराहट से सहमे बच्चे, मामा बाबा और बहन की मौत का बोझ उठाए कैसे जी सकेंगे? ये नन्हे फूल बिलक बिलक कर हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमारा कसूर क्या था, हमें क्यों इस क़यामत के लिए चुना गया, क्यों हमारे माँ बाप को हमारी आँखों के सामने कत्ल कर दिया गया। ये नन्ही बच्ची अपने खाली फीडर को पकड़े बार बार सवालिया नज़रों से सबको देखती है। उसे शायद समझ नहीं आ रहा कि वो लोगों से अपने खाली फीडर का पूछे या इस फीडर को दूध से भरकर देने वाली माँ का।